हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल बुक से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, जिसमें मैं एग्जांपल्स बताऊंगा जो आरएस अग्रवाल की बुक में दे रखे हैं, जिसमें मैंने देखे हैं 1 to 11 एग्जाम्पल्स हैं, और मैं इनका रिवर्स ऑर्डर में सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल स्टार्टिंग के हैं वो ईजी हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको एलसीएम रूल के थ्रू सोल्यूशन करना सिखाया है वो चीज़ आप एप्लीकेबल कर सकते हैं वहाँ पर। बट जो 10 and 11 क्वेश्चन हैं वो थोड़े यूनिक हैं और थोड़े से हट के हैं, तो मैं यहाँ पे जो सोल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं 11, फिर 10, 9 टू 1 तक मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। तो गाइस, चीज़ों को आप समझिएगा कि कैसे मैं इन चीज़ों को मैं बहुत ही सरल तरीकों में समझा रहा हूँ। तो समझने के बाद चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चन की। और वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन टाइम एंड वर्क। आर एस अग्रवाल एग्जाम्पल का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं, इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी। तो गाइस, यहां से हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। और इन चीज़ों को आप बहुत ही स्मार्टली समझिएगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ, क्योंकि आर एस अग्रवाल को जो मेथड दे रखा है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो चीज़ों को आप मत सीखे, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चंस क्या हो रहा है और कैसे कैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो चीज़ों को सिंपल से और आसान तरीकों में समझिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए गाइस, हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं कि 8 जो हमारे मेल हैं वो किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। देन यदि काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि 8 फीमेल 32 दिन में पूरा कर ले रही हैं, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 5 मेल तथा, मतलब क्या है, इसमें प्लस लगा हुआ है, प्लस 8 फीमेल कितने दिन में पूरा करेंगी। ये क्वेश्चंस का है अकॉर्डिंग टू जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है। तो गाइस, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो चीज़ों को समझिएगा। देखिए, यहाँ पे हमें 8 मेल 20 दिन में काम पूरा कर रहे हैं और 8 फीमेल 32 दिन में कर रहे हैं। वो हमसे पूछ रहा है 5 मेल और 8 फीमेल कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो देखिए, अब चीज़ों को समझते हुए चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे, देखिए हमें 8 मेल कितने दिन में कर रहे हैं काम, 20 दिन में, और ये हमारा इक्विवेलेंट होगा 8 फीमेल इंटू 32। ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम लोग कट कर देंगे। तो देखिए, ये 8 से 8 हमारा कट जाएगा, और फिर यहाँ से इसको हम लोग अगर 2 से काट देते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, एंड देन ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5, एंड देन ये हमारा इक्विवेलेंट है और ये 8 हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन बनी, इक्वेशन आई हमारी 5 मेल इक्विवेलेंट टू 8 फीमेल। देन हम यहाँ से मेल एंड फीमेल निकाल लेंगे, तो ये हमारे मेल बाय फीमेल, तो ये कितना आया, ये हमारा आ जाएगा 8/5। ये 5 हमारा आ गया ना, बस ये चीज़ें आ गई, और यहीं से हमारा वर्क शुरू हो जाएगा। सो गाइस, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मेल और फीमेल निकाल लिया है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, चीज़ों को समझिए। टोटल वर्क हम इसमें से किसी एक में वैल्यू रख देंगे और आंसर वो टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो हम लोग देखिए इसमें रख लेते हैं टोटल वर्क, 8 मल्टीप्लाई बाई मैन मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये मल्टीप्लाई बाई 20। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा 8 और m कितना है, 8, और मल्टीप्लाई बाई 20, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 1280।
ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आ गया, अब देखिए हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मेल और 8 फीमेल कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई m प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई f। तो यहाँ से देखिए वैल्यू रख लेंगे, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई m हमने कितना निकाला है, 8, तो ये 8 रख लिया, प्लस 8 इंटू f कितना निकाला है, 5। तो यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 8 5 8 40, ये हमारा 40 हो जाएगा और ये भी हमारा 40 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 80 हो जाएगा। तो टोटल हमारा 80 आ गया। तो अब देखिए ये 80 जो आया है टोटल वर्क से, इसे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा 5 मेल प्लस 8 फीमेल काम करेंगे, हमारा टोटल वर्क हमारा 1280 है, डिवाइड बाई 80 करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 128 हमारा 8 टाइम में कितने टाइम कट जाएगा, 16। तो ये हमारा 16 डेज आंसर आ गया। ओके, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ों को मैंने कैसे किया है, सिंपल है। और इसी तरह ही आपको क्वेश्चंस करने हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए। और देखिएगा गाइस, हम ये मत समझिए कि टोटल वर्क हम लोग इससे भी निकाल सकते, हम किसी से भी, हमने इससे निकाला है, हम इससे भी निकालते तो हमारा टोटल वर्क इतना ही आता, 1280। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए 8 इंटू f इंटू 32। तो यहाँ पे f हमने कितना निकाला है, फीमेल 5 निकाला है ना, तो देखिए 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 32। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते तीनों को, तो ये हमारा 1280 आ जाता। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम इसी से निकालें, हम इससे भी निकाल सकते थे अपना टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए कहीं कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा हम लें, दोनों में से ले सकते हैं। और ये जो जो ये स्टार्टिंग में हमें आंसर जो क्वेश्चन दे रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा पूरा कर सकती, तो मतलब ये क्या है, इक्वेशन बराबर करनी है, ये जो हमारे बराबर के हैं। तो यहाँ से हमने मेल और फीमेल निकाल लिया और टोटल वर्क निकाल लिया। और फिर यहाँ से देखिए हमने मेल और फीमेल तो निकाल ही लिया है, मेल हमारा 8 था, फीमेल हमारा 5 था, तो वहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, मेल की हमने 8 वैल्यू रख दी और फीमेल की 5, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो हमारा 80 आ गया। तो 80 ये आया, इसको हमने इसे 1280 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 16 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को, कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो गाइस ये हमारा आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 10 है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्मार्ट अप्रोच में करेंगे। चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हैं बट स्मार्ट हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता रहेगा कि मैं क्वेश्चन में क्या करते हुए जा रहा हूँ आंसर लाने के लिए। तो देखिए जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं हम उनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। जैसे कि हमें कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, 2 मेल और तथा, तथा का मतलब क्या है, 7 में है प्लस, तो 2 मेल प्लस 2 बॉयज़ किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। देन फिर नेक्स्ट कह रहा है कि 3 मेल प्लस 2 बॉयज़ काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 डेज में कर रहे हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2 मेल प्लस 1 बॉय इस काम को कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अब देखिए ये पहले हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो 2 मेल प्लस 2 बॉयज़ इक्वलेंट टू 10। तो गाइस जो ये देखिए हमारा 10 है ना, ये 10 है, इन दोनों में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 एक बार मेल से करेंगे और फिर 10 को बॉयज़ से करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 20m प्लस, और ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा 3 है और यहाँ पे ये हमारा 3 है, तो यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 30 बॉयज़ हो जाएगा, ओके, और ये 1। एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन चलते हैं, जो ये हमारा दूसरा वाला है,
तो दूसरे से देखिए ये हमारा कितना है, 3m प्लस 2 बॉयज इक्वलेंट टू 8। तो फिर वही चीज़ करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 8 को दोनों में, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 24m प्लस ये 16 बॉयज और ये 1। तो गाइस जो ये आई हैं इनको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को क्या हम लोग बराबर रख लेते हैं, मतलब इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये कितना है, 20m प्लस 30 बॉयज इक्वलेंट टू हमारा ये कितना है, 24m प्लस 16 बॉयज। अब यहाँ से हम लोग बॉयज़ और मेल को माइनस कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा ये 20 मैन है और यहाँ पे कितना है, 24 मैन है। तो मतलब क्या है, ये हमारा 24m माइनस ये यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 20m हो जाएगा ना, और देन यहाँ पे ये 30 बॉयज़ माइनस 16 बॉयज़, तो यहाँ से ये जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 में 16 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 14 बॉयज़ और यहाँ से ये 4 मेल। अब फिर यहाँ से हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 बॉयज़ इक्वलेंट टू 2 मैन। मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि जो 2 मैन है वो 7 बॉयज़ के बराबर हैं, यही चीज़ निकालने के लिए हमने ये चीज़ें इक्वेशन को इक्वल की थी। और अब देखिए ये कि जो हमारा ये 2 मैन 7 बॉयज़ के बराबर है तो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं इस पर। तो देखिए ये थी हमारा पहली कंडीशन क्या थी, 2 मैन प्लस 3 बॉयज़ इक्वलेंट टू 10 दिन में काम कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारा ये जो 2 मैन से हम इसकी जगह बॉयज़ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये पूरी वैल्यू बॉयज़ की हो जाएगी। तो 7 बॉयज़ प्लस 3 बॉयज़ इक्वलेंट टू 10, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि 10 बॉयज़ किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। और क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे कर रहा है कि 2 मैन प्लस 1 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से फिर देखिए, हाँ यहाँ पे 2 मैन से हम यहाँ पे बॉयज़ रख सकते हैं ना, क्योंकि हमने 2 मैंस निकाल रखा है, 2 मैन 7 बॉयज़ के बराबर है, तो यहाँ से 7 बॉयज़ प्लस 1 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे, तो मतलब कि 8 बॉयज़ कितने दिन में काम करेंगे। तो बस हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं, M1 D1 बराबर M2 D2, इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो अब गाइज यहाँ पे स्पेस नहीं बची, मैं थोड़ी सी चीज़ों को रफ कर रहा हूँ। सो देखिए गाइज, अब देखिए यहाँ से M1 D1 हमारा कौन सा है, ये हमारा 10 बॉयज़ जो है ये हमारा क्या है M1 और ये D1, और 8 बॉयज मतलब ये हमारा क्या है M2 और D2 हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में करेंगे। तो बस वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर, तो M1 हमारा कितना है 10 और मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वलेंट टू M2 कितना है हमारा 8, एंड देन D2 हमें निकालना है मतलब कितने दिन में करेंगे। तो बस यहाँ से हमारे D2 आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, काटते नहीं इसको, सीधा हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 बाई 8 हो जाएगा, और जब इसको इससे भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 होल 1/2 डेज। तो गाइस नाउ दिस इज़ अवर आंसर, चीज़ें समझ रहे होंगे इन चीज़ों को मैंने कैसे स्मार्टली यूज़ किया है। तो वही हमारा इसको 12.5 भी कह सकते हैं, 12.5 दिन में काम पूरा होगा। चीज़ें आप समझ रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग को बुक्स में ढूंढना है और क्वेश्चंस को करने हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं इस चीज़ों को फोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह कीजिए। क्योंकि अगर आप मैन्युअली मेथड करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएंगे, कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, लेकिन ये देखिए मैंने डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाते हुए हम लोग चले हैं। तो आई होप चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि कहाँ पे मैंने क्या किया है। बस मेन मेरा टारगेट था यहाँ पे कि हमें यहाँ पे मैन लाना था कि 2 मैन 7 बॉयज़ के बराबर है, ये चीज़ हमने इक्वेशन के थ्रू हम लोग ले आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 9। एग्जाम्पल हमारा है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक दिन छोड़कर, छोड़कर मतलब क्या है, अल्टरनेट एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करें, ठीक है, तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो चीज़ें फिर वही करेंगे, अल्टरनेट क्वेश्चन है हमारा चीज़। आप अब इन चीज़ों को गाइज आप कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करा चुके हैं, तो ये भी हमारा एलसीएम रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ये हमारा ए है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 7, और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो इन दोनों का क्या हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है, तो एलसीएम क्या होगा, 8 7 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 56। फिर यहाँ से हम लोगों की इन दोनों की इफ़िशेंसी निकाल लेंगे, तो ए की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 8, एंड देन हमारी बी की इफ़िशेंसी 7 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करें और एक कार्य को आरंभ कर रहा है, मतलब क्या है कि अल्टरनेट डेज है, तो डेज यहाँ से मैं डेज लिख देता हूँ, और पहले दिन कौन ए काम करेगा, और ए कितना काम कर रहा है, ए 8 काम कर रहा है, क्योंकि एक एक इफिशेंसी 8 है और बी की इफिशेंसी 7 है। फिर दूसरे दिन हमारा बी आएगा और बी कितना काम करेगा, 7। तो यहाँ से 2 दिन का काम देख लेते हैं गाइस, कितना पूरा हो गया, 2 दिन का काम हमारा यहाँ से पूरा हो जाएगा, 15। अब देखिए हमने देखा कि 2 दिन में काम हमारा 15 पूरा हो जा रहा है, तो हम क्या मल्टीपल में चलेंगे, तो सोचेंगे हमें 56 तक पहुंचना है टोटल वर्क तक, तो देखते हैं 15 के मल्टीपल में कहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमने दिमाग में आया कि 15 × 3 करेंगे तो हमारा काम 45 पूरा हो जाएगा, और ये 3 है, और क्योंकि हम 2 लेके चल रहे हैं तो ये 6 दिन हो जाएगा, मतलब कि 6 दिन में हमारा काम 45 पूरा हो जाएगा, ये चीज़ समझ गए। और फिर सातवें दिन फिर हमारा कौन आएगा, ए आएगा, और ए कितना काम कर रहा है, ए हमारा 8 काम कर रहा है, तो 45 + 8 टोटल काम हमारा कितना पूरा हो जाएगा, टोटल काम हमारा पूरा हो जाएगा 53 काम पूरा हो जाएगा। और अब देखिए ये 7 दिन में हमारा काम कितना 53 पूरा हो गया, अब कितना काम बचा, 56 - 53 करेंगे तो 3 काम हमारा बचा रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कौन करने आएगा, और रिमेनिंग वर्क हमारा बी काम करेगा, तो बी कितना काम कर रहा है, 7 कर रहा है। तो बस देखिए 7 डेज तो हमारे देखिए लगे ही लगे ना, ये 7 डेज है ना, 7 डेज तो हमारा काम हुआ ही हुआ है, और प्लस जो बचा हुआ काम है वो 3 है, और 3 और 7वें दिन आके बी का हमारा एफिशिएंसी 7 है, तो ये हो गया डेज। नाउ दिस इज आंसर, चीज़ें समझ में आई नहीं आई, चलिए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, तो दोनों का क्या हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 56 आएगा। फिर यहाँ से हम इन दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे, तो ए की इफिशियंसी 8 आ जाएगी और बी की इफिशियंसी 7 आ जाएगी, मतलब क्या है, इन दोनों का ये 1 दिन का काम है, और टोटल काम हमारा एलसीएम से आता है वो आता है 56 से, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को आरंभ करें, तो देखिए गाइस अगर ये डेज हमारा है और पहले दिन ए काम करेगा, क्वेश्चन में कह रहा है, तो ए कितना काम करेगा, ए हमारा 8 काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, बी कितना काम करेगा, 7 काम करेगा, तो टोटल काम कितना पूरा हो गया, 15। फिर तीसरे दिन ए आएगा, 8 काम करेगा, और चौथे दिन बी आएगा तो काम 7 करेगा, टोटल काम कितना हो गया, 30 पूरा हो गया, क्योंकि 15 ये है दोनों का, 15 15 30। फिर पांचवे दिन ए आएगा, 8 काम करेगा, और छठे दिन बी आएगा, काम 7 करेगा, तो टोटल काम हमारा ये 15 हो गया, और कंप्लीट काम कितना हो जाएगा, कंप्लीट काम हमारा 45 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि 6 दिन में काम हमारा 45 पूरा हो गया। फिर सातवें दिन ए आएगा और ए काम 8 करेगा, तो काम टोटल कितना कंप्लीट हो गया, 45 + 8, तो 53 काम पूरा हो गया, मतलब ये काम हो गया। अब काम कितना बचा, 56 में 3 माइनस कर देंगे तो 3 काम बचा, मतलब 7 दिन तो काम हुए हुए, मतलब 7 दिन तो पूरे पूरे लगे ना। अब 8वें दिन आएगा बी, और बी काम कितना कर रहा है, 7 काम कर रहा है ना, तो 7 दिन तो हमारे लगे लगे, और काम कितना बचा, 3, और बी आएगा दूसरे दिन तो बी कितना काम करेगा, 7 काम करता है, तो गाइस ये दिस इज आंसर, इतने दिन में काम पूरा होगा।
ये मैंने मैनुअली मेथड बता दिया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं फिर बी काम छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य एक अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो वही चीज़ें करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमें ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम से हमारा ये कितना आ जाएगा 100 और यही हमारा क्या टोटल वर्क होता है। देन इन दोनों की इफिशियंसी निकाल लेंगे तो इफिशियंसी ए की हमारी 5 आ जाएगी और बी की कितनी आ जाएगी 4। ओके देन टोटल कर लेंगे ये तो टोटल ये कितना 9 आ जाएगा जो हमारा क्या है ए प्लस बी का कंबाइंड वर्क है एक दिन का। मतलब ये क्या है ये जो हम लोग निकालते हैं ये हमारा वन डे वर्क होता है एक दिन का काम। आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं मतलब क्या है एक दिन का ये कितना 9 काम है तो ए प्लस बी का हम लोग 5 दिन का काम निकाल लेते हैं 5 × 9 तो ये कितना काम हो गया 45। मतलब कि 45 काम ए बी ने मिल के साथ किया। फिर यहाँ से क्या निकाल लेंगे रिमेनिंग वर्क कितना बचा जो कि बी करेगा तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से कितना टोटल वर्क हमारा 100 है माइनस 45 तो रिमेनिंग कितना आया रिमेनिंग हमारा 55 आ गया। और ये काम कौन करेगा ये काम ए करेगा क्योंकि कह रहा है कि बी काम छोड़ के चला जाता है 5 दिन के बाद शेष कार ए और शेष कार हमारा कितना बचा है 55 अकेला कितने दिन में कर पाएगा तो बस बी यहाँ से लेफ्ट हो गया है और ए काम कितने दिन में करेगा तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है एक दिन में 5 काम कर रहा है ना ए की एफिशिएंसी है तो ए अलोन वर्क तो यहाँ से टोटल वर्क कितना बचा है 55 देन ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 तो गाइस इसको कट कर देंगे और आंसर तो 11 डेज। नाउ दिस इज अवर आंसर। चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन क्या कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ओके ठीक है यदि दोनों मिलकर किसी कार को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए गाइस इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही ईजी और स्मार्ट अप्रोच बताऊँगा चीज़ों को देखते हुए चलिएगा बस आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारे मिस्टर ए हैं एंड देन मिस्टर बी। क्वेश्चन की पहली लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए की कार्य क्षमता मतलब ए इफिशियंट है ज़्यादा किससे बी से। तो मानते हैं कि ए अगर एक काम कर रहा है तो बी कौन कितना काम करेगा 2 क्योंकि क्या कह रहा है दुगना है ये चीज़ें समझ में आए। और फिर क्या कह रहा है दोनों मिलकर किसी कार को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो मतलब क्या है कि ये दोनों का ऐड कितना आएगा 3 मतलब 3 और 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो अब यहाँ से एक लॉजिक नहीं लग रही कि हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं टोटल वर्क कैसे निकालें क्योंकि ये 3 यूनिट है और 14 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में चलेगा ना तो 3 × 14 तो ये कितना हो गया टोटल वर्क हमारा आ गया 42। तो गाइस टोटल वर्क हमने निकाल लिया यही टारगेट था हमारा निकालना कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से 3 यूनिट से हम लोग 14 को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेला इस कार को कितने दिन में करेगा तो बस सिंपल हमने टोटल वर्क तो निकाल ही लिया है 42। अब ए की इफिशियंसी कितनी है 2 तो बस ए अलोन वर्क निकालना है तो ए कितना काम कर रहा है ए 2 यूनिट काम कर रहा है और टोटल कितना है 42 यूनिट है तो देन 42/2 यहाँ से करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा काट देंगे 21 डेज। नाउ दिस इज आंसर। चीज़ें समझ रहे हैं ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चीज़ें इजी थी बस अप्रोच अच्छा होना चाहिए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हमारा आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन हमें से क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ओके अच्छी बात है अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ओके पॉइंट टू बी नोटेड। ओके ये चीज़ें यहीं पे पकड़नी जाएंगी दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। फिर वही चीज़ें मैं अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बताया था बस थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि
ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, ओके कोई बात नहीं। अब देखिए फिर वही चीज़ करेंगे, ये मिस्टर हमारे ए हैं एंड ये मिस्टर बी हैं, और स्टार्टिंग की पहली लाइन से इनकी इफिशेंसी बता दी जा रही है कि ए हमारा अगर जो है बी अगर हमारा एक काम करेगा तो ए हमारा कितना काम करेगा, दो, क्योंकि क्या कह रहा है दुगनी है। अब क्या कह रहा है ये लाइन पकड़ने वाली, क्योंकि कंडीशंस लाइन ही इंपॉर्टेंट होती है, कन्फ्यूजन करती है आप लोगों को, कि अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। तो चीज़ें समझ में कुछ आई, वो ये है कि ये इनका डिफरेंस, इनका जो ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट हमें किसके बराबर दे रखा है 10 दिन, तो ये 10 10 मतलब 1 यूनिट हमारा कितना है 10 के बराबर है। अब देखिए अब यहाँ से हम ए और बी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 1 यूनिट हमने निकाल ली। तो देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, अब देखिए ए और बी हमें 1 यूनिट पता है कितना है 10, तो 1 यूनिट बी कितना हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ से ये 2 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा 20। तो फिर क्या हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो ये एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। फिर इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ये हमारी 1 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे, मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है ए प्लस बी 3, मतलब एक दिन में वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 करेंगे ना, और टोटल वर्क कितना है हमारा 20 है। सो बस ए प्लस बी और टोटल वर्क हमारा कितना है 20/3। नाउ कट करेंगे और आंसर, तो ये कट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आने वाला है 6 whole 2/3 days। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 6 whole 2/3 days आंसर, ये हमारा आंसर है गाइस। चीज़ें समझ रहे हैं ना, चीज़ें ही ऐसी की जाती हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकेगा। तो गाइस ये हमारा आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 5 है, चीज़ों को भी हम एलसीएम के थ्रू समझेंगे। तो देखिए जो चीज़ें दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी हमें कितना दिन दे रखा है 20, देन बी प्लस सी कितना हमें दे रखा है 15, एंड नाउ सी प्लस ए काम को कितने दिन में पूरा कर ले रहे हैं 12। तो इन तीनों का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 60। अब हम इन तीनों की इफिशेंसी भी निकाल लेते हैं, तो 3 आ जाएगा ये, और ये 4, एंड देन ये 5। अब मैं ये चीज़ें जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमारे सब क्या है ए बी सी बी सी सी ए, ये सब 2 टाइम है ना, तो हम इनको 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से गाइस क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आ जाएगा 12/2, तो ये कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, मतलब क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हमारी आ गई तीनों की 6 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, बस ठीक है। टोटल वर्क देखिए हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारे पास 60 है, यही हमारा टोटल वर्क होता है। और ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है, अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे 6 करेंगे। तो बस यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो ये निकालना है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 6, और टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 60 है। और डिवाइड बाई 6 कर देंगे, क्योंकि हमें ए बी सी की इफिशियंसी पता है 6, तो यहाँ से ये कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 days। तो ये पहला आंसर आ गया कि तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा ना, तो बी के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हमें किसकी निकालनी, बी की इफिशियंसी निकालनी। तो बी की इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, जब हम
इसको सी ए से माइनस कर देंगे टोटल में ये ए बी सी से, तब हमें सी की इफिशियंसी आ जाएगी। मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, और हम सी प्लस ए की इफिशियंसी माइनस कर देंगे कितनी है 5 है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमें बी की इफिशियंसी आ जाएगी कितनी 1 यूनिट। ये हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया 10 डेज और ये सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए बी की इफिशियंसी आ गई है 1, और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 60 है, तो बस 60 डिवाइड बाई 1 तो कितना आएगा 60 डेज। नाउ दिस इज आंसर। ओके चीज़ें समझ में होंगे, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ओके ठीक है, चीज़ें आप समझ रहे होंगे, लाइक थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होंगे कि ये हमारा क्या है, भाग दे रखा है, तो अब ये कैसे होगा। कुछ नहीं, बहुत ही स्मार्ट है, वही अप्रोच करेंगे एलसीएम अप्रोच, बस थोड़ा सा वर्क करने के बाद। तो देखिए जो चीज़ें हमें इधर रखी उनको हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे कि देखो ये 12 दिन में समाप्त कर रहा है, मतलब कि क्या है जो 2/5 भाग है वो 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो मतलब क्या है हम यहाँ से ए का क्या है 1 डे वर्क निकालेंगे, ए का 1 डे वर्क। 1 डे वर्क में कितना काम कर रहा है, तो देखिए ये 12 डिवाइड बाई 2/5, तो ये 5 हमारा ऊपर आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से ये 6 टाइम कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अब नाउ अब हम लोग बी का भी 1 डे वर्क निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा बी 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा, तो ये हमारा 15 डिवाइड बाई 3/4, तो 4 हमारा ऊपर आ जाएगा ना, तो ये 15 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा 3 कट जाएगा 5 टाइम, तो ये 5 4 20 20 आ गया ना। अब बस चीज़ें हमारे पास इजी हैं, तो देखिए ए का कितना आ गया 30 एंड बी का कितना आ गया 20, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो ये कितनी इफिशियंसी 2 आ जाएगी, और इसकी इफिशियंसी हमारी 3 आ जाएगी, सो नाउ टोटल ये कितना है 5। ये हमारा क्या है ए प्लस बी मिलकर अगर काम करेंगे तो 5 यूनिट करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या करें, दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो बस देखिए दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं 5, और टोटल वर्क कितना निकाला है, टोटल वर्क हमारा 60 है, तो बस टोटल वर्क डिवाइड बाई ए बी सी, ए बी की यूनिट निकालेंगे, तो ये हमारा 60 डिवाइड बाई 5, तो ये 5 क्या है हमारा ए और बी की एफिशिएंसी है 1 डे वर्क। नाउ सिंपल इसको कट कर देंगे और आंसर, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 डेज। नाउ गाइस दिस इज आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 3, जो कह रहा है कि ए बी सी एक कार को 10, 15, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो चीज़ें आप कर सकते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इतनी चीज़ें क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ए बी सी हमें इन तीनों का काम दे रखा है 10 दिन 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इन तीनों को क्या हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 90। तो देखिए 90 आ गया एल टोटल वर्क, और अब हम क्या इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, तो ये हमारी इफिशियंसी 9 आ जाएगी, देन 6, और सी की इफिशियंसी हमारी 5 आ जाएगी, टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20। तो मतलब क्या है ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में 20 यूनिट्स। देन क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ओके तो टोटल वर्क हमारा कितना है 90, और मैंने इफिशियंसी भी निकाल ली है 20, तो बस यहाँ से आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी 90 बाई 20, तो 0 0 कट गए, तो यहाँ से इसको कट करेंगे डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4 होल 1/2 डेज। नाउ दिस इज आंसर। समझ गए होंगे कि मैंने कैसे क्या डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन जो कह रहा है हमें से ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा,
चीज़ें हैं, इजी हैं, कर सकते हैं आप भी। तो देखिए क्वेश्चन में हमें ए कितने दिन में कर रहा है, 12, और ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 8। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 24। तो इफिशेंसी भी निकाल लेंगे, तो इफिशेंसी ये 2 आ जाएगी और ये 3 आ जाएगी, और टोटल इफिशेंसी आ जाएगी हमारी 5, जो कि ये ए प्लस बी, ए और ए प्लस बी की है। लेकिन ये करना नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बी अकेला इस कार को कितने दिन में करेगा, तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस करेंगे तभी तो हमें बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये 5 की ज़रूरत नहीं हमें अभी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे, बी की एफिशिएंसी हम लोगों को निकालनी है। तो यहाँ से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 आ जाएगी। और हमसे पूछा बी अकेला कितने दिन में करे, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारे पास 24 है, तो डिवाइड बाय 1 करेंगे, ये बी है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 24 डेज। नाउ गाइस दिस इज आंसर, कुछ नहीं था, बस सिंपल था, समझ गए होंगे आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल का है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए अकेला किसी कार को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप ये चीज़ें कर रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो वही चीज़ें हैं, सिंपल एलसीएम लेंगे, ए हमारा 6 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12, एफिशिएंसी 2 और 1 आ जाएगी, और टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। और हमसे कह रहा है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो देखिए टोटल वर्क हमारा है और एफिशिएंसी दोनों की है, तो आंसर निकाल सकते हैं ना, तो 12 डिवाइड बाई 3 कट कर देंगे, 4 डेज आंसर। आई होप समझ गए होंगे, समझ क्या हो गए, आप अब परफेक्ट हो गए होंगे, बिल्कुल परफेक्ट कीजिए अब चीज़ों को करिए, क्योंकि मैं थोड़े बहुत और क्वेश्चंस कराऊंगा आरएस अग्रवाल के जो टफ से टफ हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कवर कर जाऊंगा आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, आई नो आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, सो प्लीज़ गाइज अपने दोस्तों में भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा शॉर्ट ट्रिक्स रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। सो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे फेसबुक में भी पूछ सकते हैं, हमने फेसबुक का अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। थैंक यू।